हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट फॉर सेल्स फ्रॉम मैं सुमित प्रोफेशनल कॉर्पोरेट एंड अरविंद सिंह आपका स्टूडियो में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंक्रीट और कंक्रीट की प्रॉपर्टीज के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक नॉन टेक्निकल और टेक्निकल स्टूडेंट जो कि फील्ड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, उनके इसके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आपको बताना चाहिए, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर शॉर्ट टर्म कोर्सेज प्रोवाइड कराता है फॉर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स को। इसमें हम लोग क्वांटिटी सर्वे के अंदर एस्टिमेशन, बिलिंग एंड टेंडिंग तीनों पार्ट कवर करते हैं। क्वांटिटी सर्वे की लैंड सर्वे के हम अंदर जो है ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन, जीपीएस जैसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट के नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर ये परफॉर्म होता है। उसके क्यूक्यूसी के अंदर हम लोग सारे के सारे लैब टेस्ट जो है वो परफॉर्म करके सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर कोर्स है एंड मैनी मोर सॉफ्टवेयर कोर्सेज वी हैव विद अस, जहाँ पर कि आप इन ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू जो है अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। लोएस्ट कोर्स फीस पूरे इंडिया के अंदर एंड 100% जॉब असिस्टेंस के साथ में। तो फ्रेंड, चलते हैं अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो कि है कंक्रीट के ऊपर। तो कंक्रीट होता क्या है फ्रेंड्स? कंक्रीट इज ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, वाटर, एग्रीगेट एंड इन सम केसेस वी विल ऐड ए मिक्सचर आल्सो। फ्रेंड्स, मतलब ये चार जो हमारे मटेरियल्स हैं इनको मिला के हमारा जो है कंक्रीट बनता है। सीमेंट, सैंड, वाटर, एग्रीगेट एंड इन सम केसेस वी विल ऐड एडमिक्सचर ऑल्सो। एडमिक्सचर जो है फ्रेंड्स, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। अब वो आप डिटेल में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे एडमिक्सचर के बारे में, बट अभी आपको ये जानना जरूरी है कंक्रीट इज ए मिक्सर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर एंड इन सम टाइम एडमिक्सचर ऑल्सो। तो फ्रेंड्स, और कंक्रीट को जो है मैन मेड रॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि कंक्रीट को जो हम लोग बनाते हैं मैनुअली बनता है कंक्रीट, इसलिए इसको मैनमेड रॉक भी कहा जाता है, क्योंकि कंक्रीट जो है टाइम के साथ में जो है स्ट्रेंथ गेन करता रहता है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है फ्रेंड्स? इसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर हमारे को मिलती है कंप्रेस इन पर्टिकुलर स्ट्रेंथ, और इसकी जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो मेगा पास्कल यूनिट के अंदर इसको कैलकुलेट किया जाता है। ड्यूरेबिलिटी इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज, पोरोसिटी एंड डेंसिटी, फायर रेजिस्टेंस, थर्मल एंड एकॉस्टिक इंसुलेशन प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, इंपैक्ट रेजिस्टेंस होता है फ्रेंड्स ये। अब इन प्रॉपर्टीज को हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस कर लेते हैं कि ड्यूरेबिलिटी होती क्या है फ्रेंड्स। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू रेजिस्ट वेदरिंग एक्शंस, केमिकल अटैक एंड एब्रेशन और वाइल मेंटेनिंग इट्स डिजायर्ड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। मीन्स एक ड्यूरेबल जो होता है कंक्रीट, एक तो वेदर रेजिस्टेंस होता है, वेदर का कोई इस पर जो है एक्शन नहीं होता है, केमिकल अटैक का कोई एक्शन नहीं होता है, एब्रेशन मेंटेन वाइल इट्स डिजायर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। अगर हम किसी भी जो इसको शेप में डालना चाहें तो वो हम लोग जो है इसको ड्यूरेबल इसको हम लोग डाल सकते हैं, और ये हमारे को कंक्रीट जो है एक्सपोजर से बचाता है। मींस एक्सपोज्ड अगर हम लोग का एनवायरनमेंट में जो भी पॉल्यूशंस हैं उससे जो है हमारे जो स्टील है मेन रिइंफोर्स जो है इसके अंदर रिइंफोर्समेंट को ये एक्सटर्नल इफेक्ट से बचाता है। तो फ्रेंड्स, ये है इसकी ड्यूरेबिलिटी की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सेग्रीगेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इसकी प्रॉपर्टीज। सेग्रीगेशन क्या होता है? सेपरेशन ऑफ सीमेंट पेस्ट एंड एग्रीगेट ऑफ कंक्रीट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड प्लेसमेंट जो हम लोग करते हैं। जब हम हैंडलिंग करते हैं मतलब हैंडल करना, यहाँ से वहां उठा के रखना और उठाना और उसको प्लेस करना, मतलब जहां पे हमें कंक्रीट करना है वहां पर उसकी प्लेसमेंट के दौरान उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, वो एग्रीगेट के वो सेपरेट नहीं होने चाहिए। अगर उसकी सेपरेट हो जाते हैं तो वो कंक्रीट जो है वो आपका सही कंक्रीट नहीं है, वो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो लूज कर रहा है अपनी। तो सेग्रीगेशन में जो है ये बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो पार्टिकल्स हैं सीमेंट सैंड के पार्टिकल्स या उन पार्टिकल्स को सेग्रीगेशन ना हो। तो ये है सेग्रीगेशन की प्रॉपर्टीज, सेग्रीगेशन ऑफ सीमेंट पेस्ट एंड एग्रीगेट ऑफ अ कंक्रीट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड प्लेसिंग। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो है साउंडनेस की प्रॉपर्टीज। अब साउंडनेस प्रॉपर्टीज क्या होती है फ्रेंड? साउंडनेस कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, स्टेबिलिटी ऑफ द वॉल्यूम, चेंज इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग एंड हार्डनिंग। मीन्स साउंडनेस मतलब जब हम लोग कंक्रीट को कंक्रीट को डालते हैं तो उसके वॉल्यूम में चेंज होता है। आपने देखा होगा जब आपने कई बार जो है जब कंक्रीट कर लेते हैं तो उसके बाद उसमें क्रैक्स पड़ते हैं, तो वो उसके साउंडनेस प्रॉपर्टीज होती हैं, उसका वॉल्यूम
घटता और बढ़ता रहता है। देखा होगा आपने ब्रिजेस के अंदर, वहां पर स्टील्स के जॉइंट्स लगे होते हैं, बीच बीच में एक्सपेंशन जॉइंट्स बने होते हैं, क्योंकि जब गर्मी होती है तो उसके अंदर जो है स्टील के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्ट, और ठंड में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, और गर्मियों में एलॉन्गेशन होता है, एक्सपेंशन होता है। तो जिसकी वजह से जो है उसके एक्सपेंशन की वजह से हमारा कंक्रीट भी जो है वो सिकुड़ता और फैलता रहता है। तो उस प्रॉपर्टीज को कहते हैं साउंडनेस। इफ द वॉल्यूम चेंज इन अनस्टेबल वॉल्यूम चेंज इज अनस्टेबल आफ्टर सेटिंग एंड हार्डनिंग द कंक्रीट स्ट्रक्चर विल बी क्रैक्स। इसकी वजह से हमारे जो कंक्रीट स्ट्रक्चर हैं फ्रेंड्स, आपने उसमें देखा होगा बहुत ज्यादा जो है क्रैक्स भी होते हैं। तो ये होता है साउंडनेस ऑफ कंक्रीट। उसके बाद सेटिंग टाइम जो होता है फ्रेंड्स, एक होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, एक होता है फाइनल सेटिंग टाइम। वैसे तो कंक्रीट जो है स्ट्रेंथ गेन करता रहता है थ्रू आउट इज लाइफ टाइम, इसीलिए जो है फ्रेंड्स उसको कह सकते हैं कि वो अपनी स्ट्रेंथ को वो गेन करता रहता है। बट एक मिनिमम टाइम होता है कंक्रीट को डालने के बाद, जब आप कंक्रीट कहीं पे भी पोरिंग करते हैं, कंक्रीट डालते हैं, तो उसका एक मिनिमम सेटिंग टाइम होता है, दैट इज 30 मिनट, इनिशियल सेटिंग टाइम जिसको कहा जाता है। 30 मिनट्स के अंदर जो है कंक्रीट जो है सीमेंट अपनी स्ट्रेंथ को गेन करना स्टार्ट कर लेता है। तो वहां पर जो है इनिशियल सेटिंग टाइम्स, उसके बाद फाइनल सेटिंग टाइम जो हम लोग कहते हैं 600 आवर्स का कहते हैं, बट ये थ्रू आउट अपनी लाइफ जो है कंक्रीट वो अपनी स्ट्रेंथ को गेन करता रहता है। तो फ्रेंड्स ये थी डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, और कंक्रीट के बारे में आपको एक छोटा सा हमने एक डिटेल में बताने की कोशिश किया है इस वीडियो के थ्रू। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और शॉर्ट टर्म अगर कोर्सेज आप करना चाहते हैं परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे दिल्ली ब्रांच के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।